मरकजी हुकूमत ने कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए मुल्क भर में लॉकडाउन का ऐलान किया था और मस्जिद मंदिर गिरजाघरों को आर्जी तौर पर एहतियाती इकदाम के तहत बंद करते हुए इबादतगाहों में जाकर इबादत करने पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। ताहम अब 8 जून से तमाम इबादतगाहों को खोलने का हुकूमत ने ऐलान करते हुए इबादतगाहों के लिए रहनुमायाना हिदायत जारी की है, जिसमें बताया गया है कि अवाम समाजी दूरी और एहतियाती इकदाम पर अमल करें, मस्जिद में नमाज अदा करने वाले अफराद जाए नमाज अपने साथ लाएं, 65 साल से ज्यादा उम्र, हामिला खवातीन, बीमार अफराद और 10 साल से कम उम्र बच्चे घर पर ही रहें, हुजूम में जाने से इज्तनाब करें, इबादत गाहों में साफ सफाई के इकदाम पर खास तवज्जो हो, इबादत गाहों के अंदर दाखिल होने से पहले उनके टेम्परेचर को चेक किया जाए, कोरोना वायरस की अलामत पाए जाने वाले और बगैर मास्क वाले अफराद को इबादत गाहों में दाखिल से मना है, बड़े इज्तमात पर सख्त पाबंदी और खासकर सड़कों और कहीं भी आवामी जगहों पर थूकने से सख्त मना है।